गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास फिफ्थ की मैथ्स की क्लास है और आज का हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.6, जिसमें हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा जो था, और दूसरा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हमने SCF निकाला, ठीक है ना। आज का है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फैक्टर्स जैसे 4 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड, यानी कि फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो उस संख्या से डिवाइड होते हैं। और मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं उनका 1, 2, 3 सीरीज में उनको मल्टीप्लाई करके, जैसे 4 1 सा क्या होता है 4, 4 2 जा 8, 4 3 12 16, है ना। इसका मतलब उनके नेचुरल नंबर से उनको क्या करते जाना, मल्टीप्लाई करते जाना, ठीक है ना। तो ये हो गया फैक्टर और ये हो गया मल्टीपल। तो मल्टीपल एक तरह से आप समझ सकते हैं कि टेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट करना है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द LCM। अब आपको LCM फाइंड करना है। LCM क्या होता है? लीस्ट। SCF क्या होता है? हाईएस्ट। इसमें क्या होता है? लीस्ट, जो सबसे छोटा होता है। इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेम एज इट इज आपको क्या करना है, 5 और 6 का मल्टीपल निकालना है, ठीक है। जैसे ही आपने मल्टीपल निकाला तो देखिए, हमने पहले निकाला तो 30 मिल रहा है और भी कई सारे फिजिक्स मिल रहे हैं ना, 60 भी देखिए मैच हो, पर जो सबसे छोटा होता है, यानी कि 30 से पहले कोई नहीं है, के बाद जितनी आएंगी सारी बड़ी आएंगी, तो जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल मैच करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, LCM। नेक्स्ट इसी तरह से आप देखिए 30 एंड 40 का, है ना। तो 30 एंड 40 का जब आप 30 एंड 42 का देखेंगे तो यहाँ पर जब आएंगे तो 210 मैच करेगा आपका, ठीक है। जो फर्स्ट ही मिल जाए वही सबसे छोटा है, तो वही क्या हो जाएगा उसका LCM हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 4, 10, 14 का करेंगे, तीनों का मिला करके जब आप देखेंगे तो 140 पर आपका LCM जाएगा। तो दैट इज़ योर एक्सरसाइज 4.6। अब इसमें देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने बताया LCM 3 वाले, 3 है तो 3 करके निकालेंगे, 4 है तो 4 करके निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 60, 70, 96। तीनों का क्या निकालेंगे? LCM निकाल देंगे, काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4.6, यहाँ पर क्लियर, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे और